Hello guys, welcome back to my YouTube channel Standout Classes. So today I'm going to start with exercise 5.1, जो इसका basic था वो मैं आपके साथ इसके previous video में बिल्कुल detail में discuss कर चुकी हूँ. उसी basic के ऊपर ये आपकी exercise based है. अगर किसी student ने वो basic video नहीं देखी है तो पहले एक बार वो देख लो, क्योंकि उसके बिना ये चीज समझ नहीं आएगी. और उस video में मैंने काफी important चीजें आप लोगों के लिए discuss करी हैं. And secondly, जो इसके solved examples हैं, I'll be discussing that also. मैं उस पर भी एक video बनाऊंगी, but after this exercise, once we are done with exercise, then I'll make a video on its solve examples. Okay, so let's get started. Exercise 5.1. Okay, express each of the following, each of the complex numbers given in exercise 1 to 10 in A plus iota B की फॉर्म में. जो हमें क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक जो क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, उनको हमें किस फॉर्म में लिखना है? A plus iota B की फॉर्म में लिखना है. बिल्कुल आसानी से लिख देंगे. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, 5 iota कुछ नहीं है बीच में, दैट मीन्स इट इज इंटू मल्टीप्लीकेशन. 5 iota इंटू माइनस 3/5 iota, तो हमें इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. तो खुद देखो, 5 iota इंटू माइनस 3/5 iota, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 एज इट इज, और iota इंटू iota क्या हो जाएगा? iota स्क्वायर. तो 5 से 5 कैंसिल, माइनस 3 एज इट इज, iota इंटू iota क्या हो गया? iota स्क्वायर. iota स्क्वायर की वैल्यू प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करी थी. iota की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट माइनस 1. और iota स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस 1. तो iota स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 1 3, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. बट अभी सोल्यूशन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम इसको किस फॉर्म में लिखना है? a plus iota b. और ये जो मेरा 3 है, ये मेरा एक रियल नंबर है, पर इमेजिनरी नंबर. खुद देखो ना, अच्छे से दिखाती हूं मैं आपको. ठीक है, देखो हमें किस में लिखना है? a plus iota b की फॉर्म में लिखना है. ये क्या होता था हमारा? रियल नंबर. और ये क्या होता था हमारा? इमेजिनरी नंबर. क्लियर? अब मेरा आंसर क्या है? 3. दैट इज माई रियल नंबर. मतलब b की जगह आयोटा जगह कुछ नहीं है. तो 3 + 0 आयोटा, ये होगा मेरा कंप्लीट आंसर. ठीक है, क्योंकि हमें इसको बोला है स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कि हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है. ओके, मूविंग ऑन. क्वेश्चन 2, आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19. ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि हम इसको ब्रेक करके कैसे लिखेंगे. तो आई की पावर 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? आई की पावर 8 इंटू आई, बात तो एक ही है, बेस सेम, पावर ऐड तो 9 आ जाएगा. और आई की पावर 19 को आप कैसे लिख सकते हो? आई की पावर 18. इवन में ब्रेक करते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर से ब्रेक करने में हमारी आसानी रहेगी. ये चीज मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में समझाई है. ठीक है, सो आई की पावर 18 इंटू आई. अब देखो, आई की पावर 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ? आई का स्क्वायर का होल की पावर 4, क्योंकि 4 2 80 तो आ जाएगा, और ये वाला आई एज इट इज. प्लस आई की पावर 18 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? आई स्क्वायर होल टू द पावर 9, क्योंकि 9 टू क्या हो जाएगा? 18 इंटू आई एज इट इज. अब आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, इसलिए हम इसको आई स्क्वायर में पुट करते हैं, ब्रेक करते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है. ठीक है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? माइनस 1 की पावर 4 इंटू आई एज इट इज, प्लस आई स्क्वायर की जगह माइनस 1 की पावर 9 इंटू आई एज इट इज. ये चीज कल बताई थी, अगर माइनस 1 की पावर ऑड है तो आंसर माइनस 1 आएगा, और अगर माइनस 1 की पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव 1 आएगा. तो यहाँ पे इवन नंबर है, तो माइनस 1 का क्या बन जाएगा? 1, और 1 इंटू आई तो आई हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे ऑड है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस. तो ये कुछ ऐसे बनेगा, प्लस माइनस 1 इंटू आई. तो देखो, प्लस माइनस माइनस, एक और स्टेप आप कर सकते हो उसके अंदर. ये क्या बन गया? देखो ना, इसको ऐसे देखो, ये है आपका प्लस माइनस 1 इंटू आई. तो पहले इन दोनों को करो, तो प्लस माइनस आई, और प्लस माइनस माइनस आई. तो यही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है. इसको सॉल्व करके माइनस, आयोटा में से आयोटा का क्या बचा? 0. मतलब ना कोई ए की वैल्यू आई, ना कोई बी की वैल्यू आई, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 0 + 0 आयोटा, क्योंकि किसी के हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आई, और हमें इसको किस में एक्सप्रेस करना है? ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में. आई होप गाइज ये चीज आपको समझ आ रही है. मूविंग ऑन, आई टू द पावर माइनस 39, इसको हमें लिखना है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में. तो ये चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ. जब भी हमारी नेगेटिव में पावर होती है, ये चीज पता होगी, तो 1/upon में जाके वो पावर पॉजिटिव हो जाती है. अगर हमारे पास यहाँ पे पावर हो x की पावर माइनस 3, तो इसका मतलब होता है 1/upon x की पावर 3. क्लियर गाइस? सो वही चीज यहाँ पर करी है. तो ये नेगेटिव था, अपॉन में ले गए. अब हम लोगों को ये चीज पता है कि हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे. तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? i की पावर 38 इंटू आई
है ना, इवन में लेना है और एक आई लेना है सिंपल, क्योंकि पावर बेस से पावर ऐड करूंगी तो यही वापस आ जाएगा। और 38 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आई का स्क्वायर की पावर 19 टू जा 38 होता है और ये वाला आई एज इट इज। अब आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, जब आप आई स्क्वायर की इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 1/, देखो आई स्क्वायर क्या है यहाँ पर, -1 की पावर 19 इंटू आई, तो अब देखो अगेन -1 की पावर ऑड है तो 1/-1 ही आएगा इंटू आई, तो क्या हो गया 1/-i। आपको पहले ही बताया था कभी भी माइनस का साइन डिनोमिनेटर में नहीं रहता, वो न्यूमिनेटर में चला जाता है, तो क्या बन जाएगा -1/i। पर अभी भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि आई मेरा डिनोमिनेटर में है और आई को डिनोमिनेटर में छोड़ना एक पाप है, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। तो -1/i मल्टीप्लाई कर देंगे i/i से, तो वही चीज मैंने यहाँ पर करी है, आई वन जा आई और ये -i/i मीन्स -i का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वाला डिनोमिनेटर में साइन ही रहता तो ऊपर भेज दिया, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है आई। इसका मतलब अगर हमें आई की वैल्यू आ गई तो मतलब बी यहाँ पर ऑटोमेटिकली 1 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए की तो वैल्यू तो कुछ नहीं आई प्लस 1i, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, क्योंकि बी क्या है कोफिशियंट ऑफ आई तो है ना, और आई कुछ है तो मतलब 1 हो गया बी, ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, क्लियर। मूविंग ऑन क्वेश्चन 4, ये क्वेश्चन है, इसको एक्सप्रेस करना है a+i/b की फॉर्म में, बहुत ज्यादा सिंपल है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसको जो मल्टीप्लीकेशन मेरे को फर्स्ट स्टेप दिख रहा है तो वही करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 प्लस, और मैंने ये चीज आपको बताई थी इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जब भी हमें प्लस माइनस करना हो तो रियल का रियल से होता है, इमेजिनरी का इमेजिनरी से होता है, पर जब आपको मल्टीप्लीकेशन या डिविजन करना हो तो आप इमेजिनरी और रियल को भी कर सकते हो। तो जब मैं इसको मतलब इससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ तो 7 3 21 एज इट इज प्लस 7 7 प्लस 7 दैट इज 7 का स्क्वायर। अब सबसे पहली चीज इसमें किसकी वैल्यू पुट कर दो, आयोटा स्क्वायर की, और क्योंकि ये दोनों आयोटा वाले हैं प्लस, जब प्लस या माइनस कर रहे हैं तब हमें रियल से रियल और इमेजिनरी से इमेजिनरी लेना है, और ये दोनों इमेजिनरी है, तो 21 एज इट इज प्लस 21 प्लस 7 आयोटा कितना हो जाएगा 28 आयोटा प्लस 7 एज इट इज आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया मैंने -1, तो ये 21 प्लस 28 आयोटा और ये प्लस माइनस -7, 21 में से 7 गया 14 बचा प्लस 28 आयोटा एज इट इज, ये आपका a+i बी की फॉर्म में। आई होप गाइस ये चीज आपको क्लियर है। मूविंग ऑन क्वेश्चन 5, सेम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 - i माइनस ब्रैकेट में -1 + i/6 को हमें a+i/b की फॉर्म में लिखना है। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले ये चीज तो एज इट इज, क्योंकि कुछ मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा, पर क्योंकि इस ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है तो मैंने माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 और ये +-6i। अब प्लस माइनस की बात है तो इमेजिनरी का इमेजिनरी से और रियल का रियल से, तो 1 + 1 2 हो गया, और -i - 6i -+ दैट मीन्स -7i, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पर 1 है, ये तो बेसिक मैथ्स है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया a+i/b की फॉर्म में। किसी बच्चे को लग रहा होगा यहाँ पर प्लस नहीं है, पर एक मुझे बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती 2 + -7i, वही तो बात है प्लस माइनस माइनस, यही तो चीज वापस आ जाएगी, तो a क्या हो गया मेरा 2, b क्या हो गया मेरा -7, ठीक है, तो एक ही बात है। नेक्स्ट मूविंग ऑन क्वेश्चन 6, इसको हमें लिखना है सेम माइनस से पहले ब्रैकेट खोल देते हैं, 1/5 एज इट इज प्लस 2/5i एज इट इज -4 प्लस माइनस -5/2i, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि प्लस माइनस का है, आयोटा को आयोटा से रिलेट करेंगे, रियल नंबर को रियल नंबर से रिलेट करेंगे, तो मैंने थोड़ी शिफ्टिंग कर ली, रियल को एक साथ ले लिया, तो 1/5 और ये माइनस का 4 मैं इधर ले आई, प्लस 2/5i -5/2i, इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया। आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, तो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, तो 1 एज इट इज -1 5 होते हैं 5 4 20 प्लस, इन दोनों का एलसीएम लिया 10 और ये आ गया, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके तो -19/5 प्लस माइनस तो 25 में से 4 गया 21 पर नेगेटिव का साइन, क्योंकि 25 बड़ा है अपॉन 10, ठीक है। अब मैंने इन दोनों का कंबाइन एलसीएम ले लिया 10, तो ये कुछ ऐसे सॉल्व करके आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर मेरा आ रहा है ये, ठीक है। अब एक चीज और हो रही है,
ठीक है, आप चाहो तो आप यहीं पे अपना आंसर खत्म कर सकते हो, पर हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। उसके लिए मैंने क्या करा, 10 ये इसके साथ भी है तो -38/10 -21/10, तो ये ए हो गया प्लस ये -21/10 बी हो गया और आयोटा एज इट इज ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। बस एक स्टेप मैंने इसमें माइनस कॉमन ले लिया था, पर मुझे उससे कोई फायदा नहीं हुआ था क्योंकि मुझे अल्टीमेटली इसको किस फॉर्म में लिखना था, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। आई होप गाइस ये चीज आपको क्लियर है। मूविंग ऑन, सिंपल कुछ नहीं है यार, प्लस माइनस का खेल है, ब्रैकेट्स का खेल है, एलसीएम का खेल है, तो बचपन से कर रहे हैं मैथ्स में, अब तो 11th में आ गए हैं। ठीक है, स्टार्ट। नेक्स्ट, 1/3 + 7/3 आयोटा प्लस 4/1 + 1/3 आयोटा माइनस, और ये इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे प्लस। ठीक है, आप अपने हिसाब से कैसे भी सोल्व कर सकते हो, मेरे को जो माइंड में फर्स्ट थॉट आया उस टाइम मैंने वैसे वो कर दिया। बट एक बात हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन को देखे जो भी पहली चीज माइंड में आ रही है उसको करो, उसको करके ट्राई करो, कहीं तो पहुंचोगे। गलत होगा तो कुछ सीखने को ही मिलेगा, सही होगा तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। क्लियर? ओके, तो मैंने इसका एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो 1 3 4 3 12 प्लस आयोटा एज इट इज, और ये मैंने माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो +4/3 -iota/1। अब इसको मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है, ओके, सो ये 1/3 + 7/3 आयोटा +12/3 + iota/3 + 4/3 - iota/1। एक ट्रिक बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर ये क्यों करा, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे भी 3 है, 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 पर इन दोनों पे 1 है। ठीक है, तो सिस्टमैटिकली सबके नीचे 3 आ जाए तो इन दोनों का एलसीएम ले लो और इन दोनों का एलसीएम ले लो, कभी भी ले लो। अभी मैंने पहले स्टेप में ले लिया, आप पहले माइनस को मल्टीप्लाई कर दो फिर नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। अब देखो इसमें सब में 3 है पर इसमें 1 है, तो मैंने सबका एलसीएम ले लिया, 1 as it is 7 iota as it is +12 as it is +iota as it is +4 as it is और 1 3 - 3 - iota। अब आयोटा वाले एक साथ सॉल्व कर लो, 7 iota + iota 8 iota, 8 में से 3 iota गए, 5 iota। 1 + 12 = 13 + 4 = 17। फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 17 + 5 iota/3, पर किस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। तो 3 17 के नीचे भी है, 3 5 के नीचे भी है, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप गाइस ये चीज आपको क्लियर है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 8, अब देखो 1 - iota/4 इसको मुझे किस में लिखना है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। हमने क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी पढ़ी है, जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे, ठीक है वो आपका पार्ट है, जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे तब ये चीज करोगे, तब अब मैं आप इजीली कर पाओगे, बट अभी के लिए हमने कोई ऐसी बेसिक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी नहीं पढ़ी। हमने ये जरूर पढ़ा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मुझे पता है क्या होता है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम लोगों ने स्कूल में पढ़ी है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे ही पहले ब्रेक कर लिया, मैं इसको लिख सकती हूँ 1 - iota का स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर, 2 2 = 4, यही तो वापस आ जाएगा। तो अब मैंने इसमें क्या लगा दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए क्या है 1 का स्क्वायर प्लस बी क्या है आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 1 × iota गिव्स यू 2 iota, और सी वाला स्क्वायर मत भूल जाना। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 + iota² - 2iota² होल स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, 1 - 1 - 2iota एज इट इज का होल स्क्वायर, तो 1 ± - ठीक है खुद देखो ना, 1 ± - -2iota² होल स्क्वायर, 1 में से 1 तो 0 गया, तो क्या बचा, -2iota² होल स्क्वायर। अब खुद सोचो -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करो -1, दैट विल गिव यू -4। अगेन ए की वैल्यू आ गई -4, बी की वैल्यू नहीं पता तो क्या ले लेंगे उसको, 0, तो आंसर क्या बन जाएगा, -4 + 0 iota, क्योंकि हम इसको किसमें लिखना है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप गाइस ये चीज आपको क्लियर हो रही है। ठीक है, मूविंग ऑन जो नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन 9, अब इसको हमें लिखना है। हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है ए प्लस बी का होल क्यूब, डायरेक्ट वही आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या होती है आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b + 3ab² सिंपल। ए क्यूब 1/3 का होल क्यूब प्लस 3iota का होल क्यूब प्लस 3 × a² होल स्क्वायर, दैट इज 1/3 का होल स्क्वायर × 3iota b as it is प्लस 3 × a as it is × b का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करा, नॉर्मल कैलकुलेशन करिए, 3 की पावर 3 = 27 होता है प्लस 3 की पावर 3 = 27 iota³ प्लस। अब देखो ये वाला स्टेप देखो, 3 × 1/3 × 3 है ये, क्योंकि इसका स्क्वायर है,
वन इंटू वन तो वन ही हो जाएगा, इंटू थ्री आयोटा, तो ये वाला थ्री से कैंसिल, ये वाला थ्री से कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ आयोटा, ठीक है। प्लस सिमिलरली यहाँ पे देखो ये वाला थ्री इस वाले थ्री से गया, तो थ्री थ्री जा नाइन और आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह डायरेक्टली क्या लिख दिया मैंने माइनस वन। आप भी स्टार्ट कर दो ऐसे करना, प्रैक्टिस अच्छी से होगी, जितनी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे डायरेक्ट स्टेप्स कर पाओगे, ठीक है। तो वन बाय ट्वेंटी सेवन, ठीक है। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस नाइन हो गया, तो रियल वाला एक तरफ लिख लिया और ये सब कुछ एक तरफ लिख लिया, क्या बचा मेरे पास यहाँ पर ट्वेंटी सेवन आयोटा क्यूब इंटू आयोटा, ठीक है। अब मेरे को पता है मैं आयोटा क्यूब को कैसे लिख सकती हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, बात एक ही, और ये वाला आयोटा एज इट इज, सिंपल, ये मेरा एज इट इज। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपकी माइनस वन, तो 27 इंटू माइनस वन क्या होगा माइनस 27, तो यहाँ पे क्या होता प्लस माइनस 27, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस 27, ठीक है। ये वाली तो हमने वैल्यू पुट कर दी, ये वाला आयोटा एज इट इज प्लस ये वाला आयोटा एज इट इज, आई होप गाइस समझ आ रहा है। अब सेम अब सॉल्व कर दो, इन दोनों का एलसीएम ले लो और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 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 26 आयोटा, सॉल्व करोगे एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप गाइस ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन 10, दैट इज माइनस 2 माइनस 1 बाय 3 आयोटा का होल क्यूब। अब इसमें हम क्या लगा सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब, क्या होती है आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ए क्या है मेरा माइनस 2 और बी क्या है मेरा 1 बाय 3 आयोटा, क्लियर, ओके। सो भाई माइनस 2 का होल क्यूब वैल्यूज पुट करी, ठीक है, तो माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 1 बाय 3 आयोटा का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी आयोटा, बी मतलब बी की वैल्यू क्या थी 1 बाय 3 आयोटा प्लस 3 इंटू ए एज इट इज इंटू बी का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखो ध्यान से समझना, माइनस 2 का होल क्यूब, 2 की पावर क्यूब 8 होता है, क्योंकि ये नेगेटिव पावर है तो माइनस में आएगा, ठीक है, तो माइनस 8 माइनस 1 बाय 3 का क्यूब करोगे तो अब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 1 का क्यूब 1 रहेगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और आयोटा क्यूब एज इट इज, तो 1 इंटू आयोटा क्या लिख सकते हो आयोटा क्यूब अपॉन 27, तो वही चीज मैंने करी है माइनस आयोटा क्यूब अपॉन 27 माइनस 3 एज इट इज 2 2 4 क्योंकि पावर और थी तो प्लस इंटू 1 बाय 3 आयोटा एज इट इज, ठीक है। ये हो गया आपका प्लस 3 2 6 पर माइनस का साइन इंटू, अब देखो अगेन स्क्वायर आयोटा स्क्वायर अपॉन 9, सिंपल, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस 8 हमारा एज इट इज, आयोटा क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ताकि मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकूं, अपॉन 27 एज इट इज, ये वाला 3 से वाला 3 गया तो क्या बचा माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस 6 एज इट इज इंटू आयोटा स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है, ओके। मूविंग ऑन, माइनस 8 एज इट इज आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट कर दिया इंटू आयोटा अपॉन 27 माइनस 4 आयोटा एज इट इज, इसके अंदर हमने क्या करा 2 से इसको 3 से काट दिया, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो आयोटा स्क्वायर अपॉन 3 यहाँ बचा और प्लस माइनस माइनस 2, क्लियर, माइनस 8। अब ये क्या हो गया देखो ना, ध्यान से देखो, माइनस ये वाला एज इट इज प्लस माइनस माइनस आयोटा अपॉन 27 माइनस 4 आयोटा, अब देखो इस आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 अपॉन 3 पुट कर दोगे और माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा, तो माइनस माइनस प्लस और 2 अपॉन 3 एज इट इज, 2 1 जा 2, क्लियर। मूविंग ऑन, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस 8 प्लस आयोटा अपॉन 27 माइनस 4 आयोटा प्लस 2 अपॉन 3, अब इमेजिनरी वाला एक साथ सॉल्व करो, रियल वाला एक साथ सॉल्व करो, तो माइनस 8 प्लस 2 बाय 3 एक साथ ले लिया, प्लस आयोटा बाय 27 माइनस 4 आयोटा एक साथ ले लिया, इन दोनों का एलसीएम लेके आप मैंने इसको सॉल्व करा आगे, ठीक है, ये इमेजिनरी वाला एक तरफ आयोटा वाला एक तरफ एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप गाइस ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 14 अलॉन्ग विद सॉल्व एग्जाम्पल्स, सो स्टे ट्यून्ड। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, इफ दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू प्लीज 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।